हेलो गाइस, तो फाइनली नया वाला अपडेट जो है आ चुका है BGMI के अंदर एक और बार। और फाइनली वो जो पुराना वाला अपडेट था वो काफ़ी ज़्यादा बोर करने लग गया था। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई जो पुराने अपडेट है वो बहुत ज़्यादा बोर करने लग जाते हैं, सेम जगह पे उतरो। और ये वैसे भी एक नया कोई ना कुछ लेके आते हैं, जैसे कि इस बार ये कुछ स्पेसशिप टाइप का ले आए हैं। तो देखते हैं, इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कैसा है, खेल के देखेंगे। और बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें भी आ रखी हैं जो कि लिटरली मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, उसके पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इनको जरा बजा देते हैं, जितने भी बंदे हैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करते हैं। यहाँ पे बंदों को खाली करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो जगह है इस ऊपर से जितनी छोटी लगती है ना उतनी ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। प्लस यहाँ पे जो बंदे हैं वो मतलब इधर छुपने के लिए कंटेनर, ये वो बहुत सारी चीज़ें। नीचे देखो ज़रा, और तो और बहुत सारी नई चीज़ें भी आ रखी हैं। कुछ कुछ मतलब जस्ट आपको करके दिखाऊंगा डायरेक्ट। फिलहाल एक भाई साहब है सामने, इसको मारने के लिए थोड़ा मेरे को अलग एंगल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो काफ़ी दूर है, दूसरा कंटेनर के पीछे है, तो निकलने तो वाला नहीं है वहाँ से। तो मैं आता हूँ छत के ऊपर। अब मुझे नहीं पता था छत के ऊपर भी एक और छत है। अभी मैं तो मस्त घूम रहा था ऊपर, बंदा दिखा, लेकिन उसका खेल किसी और ने चुरा लिया और तभी मेरे ऊपर फायर होता है पीछे से। अब ये जो जगह है गाइस, एक तो काफ़ी मतलब इतनी बड़ी जगह है ना ये, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते पता है 2 मिनट लग गए हमको। अब मैं सोच रहा था यार ऊपर कैसे चढ़ूंगा, लेकिन फिर साइड से ये जो पैनल्स हैं यहाँ पे से हम इजीली ऊपर जा सकते हैं। बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है यार ये जगह, कुछ पता नहीं क्या ही बना रखा है यार इन्होंने। एक और चीज़ मैंने मेरे को यहाँ पे देखी भाई, हेलीकॉप्टर है नीचे। मुझे नहीं पता ये उड़ता है कि नहीं, बट अगर ये उड़ता है तो गाइस लिटरली मज़ा आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ जो कि मैं हमेशा चाहता था कि हेलीकॉप्टर को परमानेंट किया जाए, अभी आई थिंक ये अपडेट में आया है। अभी यहाँ पे नीचे फिलहाल गाड़ी आई है। अभी जो ये हेलीकॉप्टर मेरे हिसाब से अपडेट में आया है, तो जब भी अपडेट जाएगा ये हेलीकॉप्टर भी चला जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर। अब ये बैटल फील्ड है यार, तो बैटल फील्ड के अंदर एयर ड्रॉप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गन्स है, तो हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए। फिलहाल ये दूर वाला बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, पहले इसको बचाते हैं। मैं हील करता हूँ यहाँ पे, बट वो बंदा ना पता नहीं बिल्कुल हेड ही मार रहा था यार इतनी दूर से भी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा अंदर वालों को साफ किया थोड़ा। यहाँ पे यार एक तो सेफ्टी से भी महसूस नहीं होती ना, पता नहीं कहीं से भी कोई भी निकल आता है, इतनी बड़ी जगह है। एक बार फिर, लेकिन ये बंदा तो भाई अलग ही बना हुआ है, ये बंदा जाके मारना पड़ेगा वहाँ पे। अब इधर भी तो बंदे एक तो ख़त्म नहीं हो रहे, इधर भी आते जा रहे। अब ये बंदे ने फायर करके गलती कर दी है, मेरे को एटलीस्ट पता लग गया है इसकी लोकेशन का। अब मेरे को भी दिख गया वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा अलग लोकेशन चेंज करता हूँ, और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यार। ये देखो ज़रा, ये रोबोट देखो, और भी इसमें पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे टीममेट मेरे को बता तो रहा है कुछ कि भाई इससे अपन उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, पता नहीं क्या करना रहता है। आगे ड्राइव का बटन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन पहले मैं जो है थोड़ी सी गन्स ले लेता हूँ भाई। पता नहीं देखो ये क्या क्या आइटम दे रखी है भाई, देखना पड़ेगा इनको यूज़ करके। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये जो है इसका रेटिंग भी देंगे इस अपडेट हुआ ना 10 में से एंड में वीडियो का खत्म होने तक, कि ये अपडेट मेरे को कैसा लगा। फिलहाल अभी तक तो बढ़िया ही है। हेलीकॉप्टर जो मैं चाह रहा था वो आ गया इसके अंदर। ये रोबोट पता नहीं क्या करता, अभी देखेंगे। मैंने तो लोगों का मतलब कुछ खास ओपिनियन देखा नहीं है रोबोट की रिगार्डिंग। भाई ये उड़ भी सकता है लिटरली। ओके, अभी फिलहाल जो है जोन में निकलते हैं। एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई चलो गाड़ी नहीं करनी पड़ी हमको। मेरा टीममेट ने मुझे बताया था कि ये रोबोट जो है आप इसको अलग भी कर सकते हो, डिसमेंटल भी कर सकते हो, तो वो भी देखेंगे जरा करके। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं मतलब ये बिल्डिंग कौन सी आ रही है, ये बिल्डिंग मेरे को समझ नहीं आ रही तो। और फिलहाल लिटरली ये रोबोट बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइस, लिटरली इट्स ह्यूज। अभी आपको इतना लग नहीं रहा होगा कि ये कितना बड़ा है,
क्योंकि मतलब हमें तो नॉर्मल ही लग रहा है, बट आपकी इसकी स्पीड देखो, स्पीडोमीटर में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, अभी 80 भी हो गया, 80 के आसपास ऑलमोस्ट, तो मतलब स्पीड भी अच्छी खासी है भाई। गाड़ी भी ऑलमोस्ट 70-80-100 के आसपास चलती है जब ये भागता है। तो भाई बिल्डिंग क्या लग रही है इसके सामने, फिलहाल अंदर बंदे हैं, मतलब अजीब ही है भाई। और ये देखो जरा ये क्या बटन है, बढ़िया, मतलब ये एंड में अगर लास्ट जोन हो आपके पास और बंदे ओपन में हो तो भाई एक तो दिख जाएंगे बंदे। और वो देखो बंदे उड़ के आ रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो देखो फिलहाल बंदे उड़ के आ चुके बिल्डिंग में, अब मजा आएगा। यहाँ पे सेपरेट का बटन भी, सेपरेट भी कर सकते हैं लेकिन देखेंगे फिलहाल। एक तो भाई यहाँ से ना वो देखो रोबोट की, एक तो गया, अब बारी है दूसरे की, दूसरा अंदर ही है। अब यहाँ पे इस बंदे को तो हमने फिनिश कर दिया है, लेकिन अब जोन में भी जाना है और ये रोबोट हमारा काम आने वाला है, बिकॉज इसको हम डिसमेंटल करके चला सकते हैं फिलहाल यहाँ पे। मुझे नहीं पता डिसमेंटल करके होगा क्या, बट मेरे टीममेट ने सजेस्ट किया मेरे को डिसमेंटल कर दो इसको एक बार। एक तो ही भाई ये पेड़ों के अंदर बहुत फंस रहा है यार, अब इसको कैसे चलाएं। अभी फिलहाल इसको डिसमेंटल कर दिया है, उस वाले को छोड़ देते हैं। और ये जो चीज़ है ना भाई, ये लग रही है कोई चीज़, मतलब ओके बूस्टर बेस पे, जब आप इसका बूस्टर यूज़ कर रहे हो ना तो ये 150 किलोमीटर तक भी जा रही है, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है ये फिलहाल तो, कि 150 के आसपास कोई गाड़ी नहीं जाती यार पबजी के अंदर ना, BGMI के अंदर। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी ना गाइस इस अपडेट के अंदर, वो है सेल्फ रिवाइविंग, जो कि बहुत ही सही चीज़ है भाई। ये मतलब एक हिसाब से कह सकते हो बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब भी है। अभी फिलहाल जो सामने बंदे हैं ना उनको मैं कर देता हूँ यहाँ पे नॉक, लेकिन वो बंदा खुद को सेल्फ रिवाइव कर लेता है, ठीक है, दोनों को नॉक कर दिया लेकिन वो खुद सेल्फ रिवाइव कर लेता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब अब देखो ना यार अच्छी भी है, मतलब अब खुद के लिए तो अच्छी है, मैं खुद को रिवाइव कर सकता हूँ, लेकिन जिसको आप नॉक कर रहे हो ओपन में सिंगल बंदा है वो, उसके लिए मतलब आपके हिसाब से उसके लिए काफ़ी ख़राब है, क्योंकि यार खुद को रेवी करता रहेगा तो फिर तो क्या ही सीन है, दूर से दूर वाली फाइट फिर कोई मतलब की नहीं रह जाएगी, पास में जाके मारना पड़ेगा ताकि उसको तुरंत फिनिश कर सकें। तो दूर वाली जो फाइट है यार इससे उसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहने वाला है। सोलो में ये बहुत अच्छा है, सोलो में क्योंकि आपको कोई चांस मिलता नहीं था, कोई कैंपर ने दूर से मार दिया, हेडशॉट मार दिया, बाई मिस्टेक मार दिया, या ऐसा कुछ रहता था चलती गाड़ी से कूद जाते थे, गाड़ी फट जाती थी, तो उस जगह पे आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, या लॉन्ग राइट लॉन्ग जो फाइट है स्नाइपर खासकर। अब ये बंदा फायरिंग कर रहा था, वैसे मेरा टीममेट भी खुद रिवाइव हो गया था वहाँ पे, तो ये मेरे टीममेट के लिए अच्छी है कि मेरे को उसके पास नहीं जाना पड़ा। खैर ये गाड़ी हमने खोली थी अभी 2 दिन पहले, तो इसकी वीडियो भी आपने देखी, अच्छा उस पर जो है सपोर्ट मिला आपका, और मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद आई है वाइट वाली गाड़ी, अभी जस्ट आई है, पीछे से इतना लुक अच्छा नहीं लग रहा लेकिन जस्ट इसका साइड देखेंगे तो बहुत ही तगड़ी है साइड से। फिलहाल ओपन में बंदे, दो तो उड़ा दिए हैं लेकिन एक और है वहाँ पे, थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं, एंड फाइनली जब मेरे को चांस मिला तीसरा भी गया। अब शायद हमको जो है ब्रिज क्रॉस करना पड़े। तो इस अपडेट में मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपडेट को रिलेटेड, बहुत ही तगड़ी चीज़, लिटरली
माइंड ब्लोइंग, ये मैंने अपने टीममेट से लिया। अभी देखो गाइस क्या करता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। इससे मैं उड़ता हूँ हवा में, देन मैंने इसको उठाया, उसके अंदर मेरा टीममेट है। अब मुझे नहीं पता यार ये कब तक चलेगा, गाड़ी से धुआं क्यों आ रहा है, ये मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन भाई क्या ही सही चीज़ है ये, इससे आप कितनी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो, बहुत ही सही चीज़ है। बट एक चीज़ है भाई, दूर से दिख जाओगे ना मतलब तो लोग तो बजा देंगे हवा में ही, तो तब तक अच्छा है जब तक लोग आपको देख नहीं रहे या किसी की नज़र में आप नहीं हो, तब तक ये सब चीज़ें सही हैं। फिलहाल मैं चुपचाप जा रहा हूँ, फायरिंग भी आ रही है और ये पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी तो गई पानी के अंदर, लेकिन फिलहाल मैं चला जाता हूँ उस चुपचाप जोन के अंदर। ये देखो यहाँ पे शायद ये कोई तो बंदा था, बोट लेके आया था अपनी, क्या चीज़ है ऐसे की डूबी हुई है मेरे को समझ नहीं आ रहा। और एक और चीज़ मैंने इस अपडेट में ये नोटिस करी कि ये पता नहीं क्या घर से बन गए, कुछ नई नई बिल्डिंग्स आ गई हैं, तो ये चीज़ तो मैं शुरू से चाहता था क्योंकि इरिंगल के अंदर हर अपडेट के अंदर कुछ ना कुछ नई बिल्डिंग्स आनी चाहिए, मज़ा आएगा। खैर मैंने उस बंदे के ऊपर फायर करके गलती कर दी, मेरे को निकलना पड़ेगा वहाँ से क्योंकि एक बार फायर कर दिया तो उसके बाद सेम प्लेस पर रहना, ओबियसली लोग जो है आपकी लोकेशन जान जाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे छत पे जाता हूँ, देखता हूँ ये नई बिल्डिंग्स किस काम की हैं। फाइट करने के लिए बढ़िया जगह है ये वैसे, ऐसी बिल्डिंग में तो कहता परमानेंटली रहनी चाहिए। एक और किल उठाया यहाँ पे, पीछे की तरफ एक बंदा था बट वो पता नहीं कब निकल गया मेरे हिसाब से। काफ़ी चीज़ें हैं यार, लोग उड़ के भी चले जाते हैं पता नहीं चलता। हेड तो लग गया उस बंदे के बट बाकी नहीं लगी यार, गाड़ी काफ़ी स्पीड में होती है ना तो ये दिक्कत होती है। अब फिलहाल ब्रिज की तरफ चलते हैं गाइस क्योंकि ब्रिज की साइड बंदे हैं, तो ये हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर अब यहाँ पे देखो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, उस बंदे ने मेरे को नॉक किया, मेरा टीममेट दूर है तो उसको बचाने आना ही पड़ेगा मेरे को। बट ये सेल्फ रिवाइव वाला सीन, इसमें ऑब्वियसली मेरा फ़ायदा तो हो गया बट कहीं ना कहीं वो सामने वाले जिसने इतनी मेहनत से नॉक किया नुकसान हो गया उसके लिए, तो चलो ठीक है बट ये भी इसका भी फ़ायदा उठाएंगे। अभी साइड वाले को छोड़ देते हैं, ब्रिज की तरफ फोकस करते हैं गाइस क्योंकि चार बंदे दोनों के दोनों ब्रिज पे बचे हुए बाकी वाले। और ये मेरा फर्स्ट चिकन डिनर हो सकता है अगर मैं सही से खेलूँ तो। अब ये क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले तो मेरे को कमेंट में बताओ यार क्या चीज़ है, इतनी तेज कैसे उड़ रहा था ये। और फाइनली गाइज इसी के साथ होता है एक प्यारा सा चिकन डिनर। तो ये था अपडेट गाइज जिसको खेला, काफ़ी बड़ी अपडेट है, कुछ नई चीज़ें आई हैं। अगर अच्छा होता अगर कुछ और चीज़ें भी आती जैसे कि परमानेंटली हेलीकॉप्टर आ जाता गेम के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग स्टेशन के ऊपर तो मज़ा आता, मतलब लोग उसको लेके उठते और कॉम्पिटेटिव भी देखने में मज़ा आता। वही सेम किसी भी चीज़ें तो पिछले 2-5 साल से चल रही हैं कॉम्पिटेटिव के अंदर भी। भाई मेरा मानना है कि भाई कॉम्पिटेटिव के अंदर ना जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, उनसे भी गेम प्ले मतलब ऑब्वियसली यार जो बेस्ट हैं कॉम्पिटेटिव में जो बेस्ट बंदे हैं वो अगर उस अपडेट को खेलें और कॉम्पिटेटिव लेवल पे खेलें तो कितना मतलब देखने में अलग मज़ा आता है उसको, है ना। तो क्लासिक नहीं रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मतलब और भी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। हेलीकॉप्टर को परमानेंटली बना देना चाहिए गेम के अंदर, ये 5-5 लाइफ देके कोई फ़ायदा है नहीं, एक लाइफ में बढ़िया थे मतलब अभी केडी वेडी उससे बढ़िया रह जाता है 5 लाइफ से, बट वो एक को मारो फिर पूरी गेम में वो बंदा वापस रहे फिर वापस रहे तो इससे बढ़िया है कि भाई लाइफ थोड़ी सी कम कर दो लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। तो मेरे को तो फिलहाल ये बढ़िया लगा ये वाला अपडेट, आपको कैसा लगा मेरे को बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।